कैपिटल बजटिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर कैपिटल बजटिंग, काफ़ी नॉलेज देता है। आइए पहले इसका मतलब समझते हैं। जब हम कैपिटल बजटिंग का बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बड़े फैसले लेना चाहते हैं, जैसे हम एक पर्टिकुलर फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, जैसे हम अपनी फैक्ट्री को दिल्ली से हटाकर बॉम्बे ले जाएं ना ले जाएं। जैसे आपको याद होगा टाटास के केस में हुआ था ना कि सिंगूर से फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ी थी उनको गुजरात नैनो के लिए, तो वो भी एक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हो। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन, यहाँ पे बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं कि पर्टिकुलर होटल वहां पे लगाएं ना लगाएं, पर्टिकुलर फैक्ट्री लगाएं ना लगाएं, अपने होटल के सारे एसी चेंज कर दें, सारे के सारे रेफ्रिजरेटर बदल दें, मतलब बड़े लेवल के डिसीजन। तो ये जो है सही डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं बड़े इररिवर्सिबल टाइप होते हैं। जैसे आपने एक होटल खोल लिया, अब आपको लग रहा है ये तो गलत डिसीजन हो गया, होटल नहीं खोलना चाहिए, अब उसको उठा के थोड़ी कहीं और ले आओगे, वो तो गया। जैसे टाटा फंस गए थे, सिंगूर में फैक्ट्री खोल ली, उसके बाद पंगा पड़ गया, सारा का सारा मामला खराब हो गया। शिफ्ट तो करी फैक्ट्री आपने, लेकिन उसका रिजल्ट ये देखोगे आप कि नैनो उनकी कामयाब नहीं हो पाई। जो नैनो का क्रेज बना था, एक तो डिले हो गई, तो वो पकड़ ही नहीं आ पाई नैनो में, ड्रीम प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल ही ड्रीम्स में ही चला गया, क्योंकि बड़ा उनको लॉस भी हो गया ना इसमें, प्रोजेक्ट डिले हो गया, शिफ्टिंग में लॉस हो गया, तो वो काम ही खराब हो जाता है। क्योंकि ये डिसीजन बहुत हद तक क्या होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं, और अगर आप इसको रिवर्स करते भी हो तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट्स कंपनी की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर सही फैसला ले लेना कंपनी तो बहुत आगे चली जाती है, और अगर फैसला गलत हो जाए तो सबसे आगे चली जाती है, सबसे आगे मतलब साफ होता है। मैं आपको एक कंपनी बताता हूं जिसका मैंने देखा, थोड़ा सा मुझे रिलेटेड एग्जांपल लगता है। वो एक कंपनी हुआ करती थी रियल वैल्यू अप्लायंसेस लिमिटेड, और वो एक प्रोडक्ट बनाती थी सीज फायर, वो अभी भी चलता है, मैंने देखा सीज फायर की जगह लगा होता है, पता नहीं कंपनी ने क्या करा समझ में नहीं आया, रियल वैल्यू अप्लायंसेस तो गया। उन्होंने जब ये सीज फायर का प्रोडक्ट निकाला था, बड़ा ही कामयाब था, इन्होंने छोटा सा ना फायर एक्सटिंग्विशर निकाला था, इतना बॉटल शेप का। पहले बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, देखे होंगे आपने सिनेमा हॉल में लगे होते हैं, बड़ा मुश्किल, बड़ा हैवी होता है, उसको उतारना पड़ता है, उल्टा करके नीचे जोर से पंचर करना पड़ता है, मारना पड़ता है तो ब्रेक करता है, फिर उसमें से गैस निकलती है जो आग पर आप छिड़कते हो तो आग बुझ जाती है। इन्होंने बिल्कुल जैसे वो वॉरियर था हिट वाला आजकल, वैसा वाला पैक, थोड़ा उसके बराबर ऐसे पैक निकाल दिया स्प्रे के साथ, वो बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग, सिंपल और जबरदस्त। इनका वो सेल्समैन जाता कंपनियों में, दुकानों पे, अच्छे शॉप्स पे जाके बोलता आपकी शॉप तो बड़ी सुंदर है। अब कोई भी, पुरानी बात है, आपको 15-20 साल पुरानी में बता रहा हूँ, तब तो इतना भी कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं था इंडिया के अंदर, तो जाता कहता आपकी दुकान तो बहुत अच्छी लग रही, अब ओनर तो ऑब्वियसली खुश हो जाएगा, फिर कहता मैं सोच रहा हूँ इसमें आग लग जाए तो क्या होगा, ओनर को एकदम गुस्सा आ जाएगा, कहता भाई साहब आग तो कभी भी लग सकती है, मान लो माचिस की तीलियां जला के छोड़ देता, मतलब ओनर तो बोला ये क्या कर रहे हो, ये करो, फिर वो निकालता अपना फायरिंग से, मैं जब आग बन, अब ओनर इंप्रेस देखिए साहब कुछ भी नहीं बोला, कहते जी आपके इतने लोग आते हैं, किसी ने भी भाई चांस सिगरेट पी, माचिस थी, फेंक दी, और आपका इतना सुंदर ऑफिस भू करके जल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये चीज हो तो साहब ने क्या करना है, आग साफ। तो लोग उससे इतना इंप्रेस हो जाते हैं, और प्रोडक्ट भी कितने का, कहते भाई साहब 250 रुपए का, लोग इतने इंप्रेस हो जाते भाई साहब, चार चार छह छह ले लेते, क्रेज सा हो गया। तो मैं देखता था उन्होंने कारों के अंदर भी लगा होता, तो भी आपने भी देखा किसी कार में लगा होता है छोटा सा साइड पे, तो लोग छह छह सात सात ले लेते, प्रोडक्ट की खूबी बहुत अच्छी, वो लेते लोग और ऑफिस में ऐसे टंग जाता है एक जगह, बस
ना कभी आग लगती ना कभी इस्तेमाल होता, 2 साल की एक्सपायरी होती, 2 साल में फिर सेल्स मिला था, भाई साहब खत्म हो गया, ओहो नया चाहिए, कहता हाँ यार बदल दे यार, कभी भी की जरूरत पड़ सकती। रिन्यूअल डिमांड, 2 साल बाद प्रोडक्ट चेंज हो रहा, आप देख लो उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखा होता कि कब ये एक्सपायर हो जाए, तो वो रिपीट भी होता रहता, प्रोडक्ट बिक रहा और कंपनी भाई साहब ऐसे लीव्स एंड माउंट से भागी। मुझे याद नहीं मैंने तो 7 रुपए का शेयर लिया था, पता कितने का लिया था, 21 का लिया था, 7 का लिया था, वैसे 300-400 रुपए हो गया, लाखों का फायदा हो गया झटके से, भाग खड़ी हर मैगजीन पे, इसके ओनर का जो इनका मेन डायरेक्टर था नाम आता है इंजीनियर करके था, पूरा नाम मुझे याद नहीं, इंजीनियर करके बड़ी पब्लिसिटी की, भाई साहब नया धीरू भाई अंबानी पैदा हो गया इंडिया में, बहुत आगे जाएगा ये कंपनी भी काफ़ी आगे जाएगी। अब कंपनी एक्साइटेड होगी भाई साहब अपनी सक्सेस से, ये तो मरियल सा प्रोजेक्ट था, कितने का बिकता था, 250-300 का, 250-300 में कितना कमा लेती होगी कंपनी, 250 में 250 कमा लेती होगी, और क्या भाई जीरो का आ जाता होगा 250 को भेज देती होगी, 250 से ऊपर तो नहीं कमा सकती थी, पर भाई साहब अब उन्होंने एक जबरदस्त प्रोडक्ट निकाला नेक्स्ट राउंड, इससे धांसू प्रोडक्ट, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ ना बारिश होती है, बारिशों में हम देखो नमकीन सील जाता है, बिस्किट सील जाते, देखा आपने वो वेस्ट हो जाते, तो इन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट निकाला, इन्होंने भाई देखो मतलब एक वैक्यूमाइजर करके कोई मैं नाम भूल गया, वैक्यूमाइजर करके था, वो 7,000 का प्रोडक्ट था, मुश्किल से इनका 1,000-1,200 का बना हुआ, मार्जिन देखो कितना जबरदस्त, 5,000-5,000 का एक प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन, खूब नेशनल लेवल पे आया, उसके साथ क्या था 5-6 बड़े सुंदर सुंदर बाउल्स, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आप बाउल्स में नमकीन और बिस्किट रख दीजिए, गेस्ट आया 2 मिनट के लिए चाय वाय पी चला गया, फिर आप बाउल्स उठाइए मशीन में लगाइए बटन दबाइए, मशीन उसकी हवा सक कर लेगी, तो हवा नहीं रहेगी ना, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो फिर वो नमकीन सीलेगा भी नहीं, 7,000 का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा रिलेटिवली, लोगों ने खरीदा शुरू में, थोड़ा रिच फैमिली की लेडीज ज़्यादा पसंद करती है इस तरह की चीज़, स्टार्टिंग में तो कहते हैं जैसे मोबाइल में निकालते हैं तो महंगा निकालते हैं अमीर लोग ले लें, तो पहले बड़े लोगों ने लिया, एक आध दिन तो बड़ा अच्छा लगा कि गेस्ट आया 5 मिनट के लिए चाय पी के चला गया, उसके बाद आप लगे वो 2 घंटे तक बाउल्स में से हवा निकाल रहे हो, ध्यान से सुनो 2-2 घंटे 3-3 घंटे में हवा निकालते रहते पैक करके रखते रहते, 2-4 दिन तक शुरू में आप लोगों को चाव लगा होगा, उसके बाद ऐसा पागल है यार 10 मिनट के लिए आदमी आता उसके बाद 2 घंटे ब्लॉक रहते, क्या कर रहे हवा निकाल रहे, इससे अच्छा तो नौकर को दे देते थे कि तू ही खा ले यार छोड़ सील जाएगा तू ही खा ले छुट्टी कर। प्रोडक्ट ऐसा फेल हुआ और कंपनी ने फैक्ट्री लगा ली, खूब हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दी, ये वो वाला तो जैसे घर घर जाने वाला प्रोडक्ट नहीं था, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करी, जो सीज फायर में कमाया था सारा साफ है, वो जो शेयर 300 रुपये चला गया बाद में 2-2 रुपये का बिक गया, तो आ गया ना देखिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, एक करेक्ट डिसीजन कंपनी को कितना आगे ले गया और एक उसी कंपनी का गलत डिसीजन साथ हो गया। आज आपने नाम ही नहीं सुना होगा, मैंने बोल दिया सीज फायर करके, पता नहीं आपने सुना भी है कि नहीं सुना, रियल वैल्यू अप्लायंसेस लिमिटेड, अभी मैं एक जगह गया था कि लेक्चर लेने किसी कॉर्पोरेट में, तो हाँ मैंने देखा था वो सीज फायर लगा, पर मैंने उसमें पढ़ी उसकी एक्सपायरी 2011 थी, जबकि कंपनी को बंद हुए काफ़ी समय हो गया, आप स्टॉक एक्सचेंज में भी देखेंगे ना कोई इसकी कोटेशन वगैरह नहीं आती है, रिपोर्ट भी ढूंढेंगे तो बहुत पुरानी रिपोर्ट मिली, कई बार क्या होता है कंपनी बंद कर देते वो प्रोडक्ट किसी और ग्रुप कंपनी को बेच देते हैं, प्रोडक्ट चलता रहता है, लेकिन सीज फायर की भी वो बात नहीं रही जी किसी जमाने में थी, पता नहीं क्या वो अल्टीमेटली कंपनी साथ, यानी यहाँ मैं क्या कहना चाहूँगा, एक सही डिसीजन बहुत आगे ले जाता है और एक गलत सबसे आगे, यानी साफ ही करते, और भी बड़ी कंपनीज है, डेव हो गई, बहुत कंपनी है, वॉश आउट ही हो गई, गलत प्रोडक्ट बन गया भाई साहब वॉश ही हो गया, प्रोजेक्ट ही गलत लग गया, अब टाटा को भी देखा जाए तो नैनो उनके लिए मुसीबत ही है इस वक्त, जब तक कुछ वो नया सिस्टम उसमें नहीं करते, इतनी कामयाब कहाँ हो पाई नहीं, आपको याद हो बड़ी कंपनी होती छोटा मोटा लॉस एब्जॉर्ब भी कर लेती, पिछले राउंड में हुंडई ने एलेंट्रा निकाली थी एक गाड़ी 11 लाख की MRP थी, बाद में 6-6 लाख की बेची, बिकी नहीं, अब एलेंट्रा निकाल रही है अब थोड़ी बिक रही है, नहीं निकल बिक पाई, तो डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सोच समझ से लेने वाला, नहीं तो कंपनी की कंपनी साफ हो जाती है, बहुत सारी कंपनियां साफ हो गलत डिसीजन की वजह से, तो इसलिए बहुत ध्यान से लेने वाला, तो यहां पे यही बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स होते हैं और जो हमें आगे भी ले जा सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं, और यहां पे यही रखा है कि अगर गलत डिसीजन हो जाए तो कंपनी ही टोटल वाइप ऑफ हो जाती है।
बहुत कंपनी के साथ हुआ यार, गलत प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया। यूनिटेक को ही ले लो, टेलीकॉम में हाथ डाला था भाई साहब, डायरेक्टर जो इनके अंदर भी हुआ आपको पता होगा, काफी दिन तक बंद रहे थे। यूनिटेक ने टेलीकॉम में हाथ डाला, टेलीकॉम चलाया चलू तो है नहीं, वो यूनिनॉर करके आना था, वो ढंग से चला नहीं, और अब ना उसका बैड इफेक्ट किस पे आ गया, उनके रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गया। रियल एस्टेट वैसे भी खराब हो गया, उन शेयर की बैंड बच गई। 500 रुपए का शेयर बिकता था, आज का भाव देखोगे 19 रुपए का। एग्जाम्पल है कैपिटल बस्टिंग। गलत लाइन में चले गए तो बाहर निकलना ही सुसाइडल हो जाता, ना बाहर निकल पाता ना अंदर रह पाता। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब जब हम कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट आते हैं। आज तक जो आपने बात करी है ना, वो करिए अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। किसकी बात करिए? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। आपने कैश प्रॉफिट की कभी भी बात नहीं की। आज हम एक नया टर्म सीखेंगे, कैश प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में हमारा देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। यहां हम ये देखते हैं क्या लगाया और क्या पाया, क्या लगाया और क्या पाया, मतलब कितना कैश लगाया और कितना कैश पाया। देखने का नजरिया जो है वो ये। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो अपना वही पुराना प्रॉफिट है जो आप निकालते हो। कैसे निकालते हो ध्यान से सुनिए। सेल्स लेते हो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो, फिर फिक्स कॉस्ट घटाते हो, फिर डेप्रिसिएशन घटाते हो, फिर इंटरेस्ट घटाते हो। ऑल्दो इस चैप्टर में इंटरेस्ट हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो लोन होता है ना उसको भी हम कैपिटल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? कैपिटल, फंड मान के चलते हैं, लॉन्ग टर्म फंड। पर फिर भी आप कंसीडर कर सकते हो अभी के लिए। तो ईबीटी क्या हो गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। सेल्स में से हर प्रकार की कॉस्ट घटा दिया। कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। आपका आ गया ईबीटी। इस ईबीटी का आपने टी परसेंट लिया तो आपका आ गया टैक्स। अब आप क्या करेंगे? ईबीटी में से टैक्स घटा देंगे तो आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईबीटी में से टैक्स घटा देंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है जिसकी आपने आज तक सदा पढ़ाई की है। 12th में भी आपने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला होगा, तो उसमें आप क्या करते थे? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालते थे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो आपने आज तक इसकी ही चर्चा की है, वो क्या हो गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। तो जब आप सेल्स में से ये सब चीजें घटाते हैं तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब आप ध्यान दें इस पे कि इसमें सारे खर्चे वो हैं जो अल्टीमेटली आपको कैश में पे करने, जो अल्टीमेटली आपको कैश में पे करने। सिर्फ इसमें एक खर्चा ऐसा है जो नॉन कैश है और वो है डेप्रिसिएशन। तो जो कैश प्रॉफिट होता है ये वो प्रॉफिट होता है जो हम कैश में रियलाइज करते हैं। किस में रियलाइज करते हैं? कैश। तो इसलिए जो कैश प्रॉफिट होता है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर आपने डेप्रिसिएशन के लिए पेमेंट नहीं किया, इसलिए अगर आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स में तो आपका कैश प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो व्हाट इज कैश प्रॉफिट? इट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरे शब्दों में, सेल्स में से आपने हर चीज घटानी है डेप्रिसिएशन को छोड़ के, तो वो आपका कैश प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सेल्स में से आप क्या घटाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या घटाएंगे? फिक्स कॉस्ट। क्या घटाएंगे? इंटरेस्ट। क्या घटाएंगे? टैक्स। ये सभी चीजें आप सेल्स में से घटा देंगे तो आपका कैश प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट कैश प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। लॉजिक बनाइए क्यों? क्योंकि टैक्स निकालने के लिए आपको ईबीटी चाहिए,
और ईबीटी निकालने के लिए आपको एक बार ही डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप एक बार डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ईबीटी से आप ईएटी निकाल लेना टैक्स माइनस करके, फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर देना तो आपका क्या आ जाएगा, कैश प्रॉफिट। क्लियर हुआ? आइए एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। कहता भाई एक कंपनी की जो सेल्स है वो 3 साल की हमें एक्सपेक्टेड है, 200 लाख होगी, 400 लाख होगी और 500 लाख, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसकी जो है 40%। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 50 लाख है और डेप्रिसिएशन जो है 60 लाख। टैक्स रेट 40% है। क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट निकालना। इसके लिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट दे देता हूं जो आपको हेल्प करेगा। ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट को देखिए, यहां लिख लिया हमने ईयर्स 1, 2, 3, क्यों? क्योंकि 3 साल की डिटेल। फिर हमने लिख ली सेल्स, फिर लिख ली वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिख ली फिक्स कॉस्ट, फिर लिख लिया डेप्रिसिएशन। सेल्स को अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ईबीटी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। फिर ईबीटी को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टैक्स रेट्स, तो मेरा क्या आ गया, टैक्स। अब ईएटी क्या होगा, ईबीटी में से टैक्स घटा दिया, इस वाले ईबीटी में से ये वाला टैक्स घटा दिया। और कैश प्रॉफिट क्या होगा, ईबीटी में ईएटी में वापस डेप्रिसिएशन ऐड। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सेल्स बोला है 200 लाख, एल लिखता नहीं हूं, बार बार लिखने का क्या फायदा, नहीं ऊपर लिख देता हूं इन लैक्स, ठीक है 200, 400, 500। वेरिएबल कॉस्ट 40%, 80, 160, 200। फिक्स कॉस्ट 50, 50, 50, डेप्रिसिएशन 60, 60, 60। अब बताइए एबीटी क्या आएगा, पहला आ रहा है 10, दूसरा 400 माइनस 160 माइनस 50 माइनस 60 130, तीसरा 500 माइनस 200 माइनस 50 माइनस 60 190। टैक्स रेट 40% है, 190 का 40% 76 और बाकी कितना हो जाएगा 144 अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसी तरह 130 का 40% 52, बाकी ये जो बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स 78। इसी तरह 10 का 4 और ये 6। अब आप क्या करोगे, इसके लिए ईएटी में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन कहा है, ये फिगर ईएटी में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 66, 138, 174। ये आपका कैश फ्लो। कैसा लगा, कोई डाउट, क्लियर? तो कैश प्रॉफिट क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। थीम समझ में आ गई पूरी की पूरी? पीछे लिख ली, रिपीट कर दूं भरत, क्लियर है? इसको कॉपी ना करो, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, वो कर लो, हो गया? तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, कैश प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में। अकाउंटिंग प्रॉफिट ईएटी, कैश प्रॉफिट ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन।
पलट दे। क्लियर? एक क्वेश्चन आप करिए ट्राई, ये तो उसका ही आंसर होगा जो करो। ये रख क्वेश्चन टू, हेडिंग बनाना चाहिए ईयर्स, सेल्स, सेल्स हो जाएगा यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कैश प्रॉफिट, अमाउंट हम लैक्स में ले। गेम 4 साल की है, 1, 2, 3, 4। पेन का रंग चेंज कर लेते हैं। पहले साल सेल्स क्या होगी? 50,000 है, 50,000 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है? 200 लैक्स। क्लियर हुआ? ये 50,000 को इस 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेल्स है लैक्स। इसी तरह आप 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 140 लाख। फिर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 लाख। और फिर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 लाख। वेरिएबल कॉस्ट के लिए इन यूनिट्स को आपको 40 से मल्टीप्लाई, पहला 28 लाख, नहीं 28 तो नहीं है, 28 के 40 × 0.4 एक 20 लाख, 28 दूसरा, पहला 20 लाख, दूसरा 70 × 40, 28 लाख, तीसरा 40 × 1 लाख, 40 लाख, फिर 40 लाख। फिक्स कॉस्ट उसने बोला एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 10 लाख, 10, 10, 10, 10। डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हो, पुराना बचपन का फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। याद आया कुछ? 100 लाख का हम खरीद रहे हैं, 4 साल बाद 40 लाख की बिकेगी, तो हर ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा? 15 लाख। तो डेप्रिसिएशन 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। 100 में से 20 गए, 10 गए, 15 गए, 55 लाख। 140 में से 28 गए, 10 गए, 15 गए, 87 लाख। 200 में से 40 गए, 10 गए, 15 गए, 135 लाख। 200 में से 40 गए, 10 गए, 15 गए, 135 लाख। ठीक है, कोई डाउट? टैक्स का रेट क्या होगा? 40%।
पहले का टैक्स 22 लाख, अर्निंग आफ्टर टैक्स 33 लाख, दूसरे का टैक्स 34.8, अर्निंग आफ्टर टैक्स 52.2, तीसरे का टैक्स 54, अर्निंग आफ्टर टैक्स 81, 54, 81, वापिस डेप्रिसिएशन ऐड कर लीजिए 48, 67.2, 96, 96, कैसा लगा? क्लियर? क्वेश्चन टू में भी आपने सब चीजें देखी है, बड़े आराम से निकाली जा सकती है। बस यहां पे यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है, तो सेल्स कैसे निकलेगा? यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि क्या है 40। किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो? श्योर? क्लियर? पीछे हटा दे, हटा दे बेटा। एक और हो गया, अब ये वाला करके दिखाएं।
करूं मैं? आइए, यस, वन टू थ्री फोर। अब यहां उसने अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया, ध्यान दीजिए, कह रहा है ये जो अबव प्रॉफिट्स हैं ये आफ्टर पेइंग टैक्स ऑफ 30% फॉर फर्स्ट टू इयर्स एंड 40% फॉर नेक्स्ट टू इयर्स के 200, 300, 400 और 500। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट कितनी बता रहा है? 1200। स्क्रैप कितना बता रहा है? 200। लाइफ क्या बता रहा है? 4। 1200 माइनस 200 अपॉन 4 250 आ जाए। तो 250, 250, 250। अब कैश प्रॉफिट निकाल लें, वो क्या हो जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन 450, 550, 650, 700। कैसा लगा? टैक्स का कुछ नहीं करना, आपने जरूर टैक्स का कुछ कर दिया हो। किस किस बच्चे का ठीक आया है? चलिए, कई बच्चों का आ गया। इसमें टैक्स के रेट का कुछ नहीं करना, वो बुद्धू बनाने के दिया लिए दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ये स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला होता है ना, जो सबसे पॉपुलर है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आप निकाल कर उसको जोड़ देंगे तो आपका कैश प्रॉफिट आएगा। कोई डाउट? क्लियर? पलट दे। बुद्धू बनाने के लिए अच्छा सवाल।